सब्सक्राइब कीजिए इस खावत अली टीवी यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल के निशान पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खावत अली टीवी यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं मेरे दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त खावत अली, आप देख रहे हैं इस खावत अली टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर नई वीडियो के साथ, सऊदी नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब के अंदर ईद उल फितर कब होगी। दोस्तों, महल फलकियात की तरफ से पूरे यकीन के साथ दावा किया गया है कि इस साल में रमज़ान मुबारक के रोज़े कितने होंगे और ईद कब होगी। आगे बढ़कर हम आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का निशान आएगा उस पर भी क्लिक करें, ताकि मेरी नई नई वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिले। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर इस साल में रमज़ान मुबारक के रोज़े 29 होंगे और जुमे के दिन ईद होगी। जुमेरात से रोज़ा शुरू हुआ है, जुमेरात पर ख़त्म होगा और जुमे के दिन ईद होगी। दोस्तों, ये खबर डॉक्टर खालिद साले अजहा ने यह खबर कुछ दिन पहले ट्विटर पर जारी की है। बड़े दावे के साथ कहा है कि इस साल में 29 रोज़े होंगे और जुमे के दिन ईद होगी। जुमेरात से रोज़ा शुरू हुआ है, जुमेरात पर ही ख़त्म होगा, जुमे के दिन ईद होगी। दोस्तों, डॉक्टर खालिद साले अजहा महर फलकियात हैं, इन्होंने बड़े दावे के साथ कहा है कि इस साल में रमज़ान मुबारक के रोज़े 29 होंगे सऊदी अरब के अंदर और जुमे के दिन ईद होगी। जुमेरात से रोज़ा शुरू हुआ है, जुमेरात पर ख़त्म होगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।